सब्सक्राइब कीजिए फूड फटाफट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल फूड फटाफट में। और आज मैं खाने वाला हूँ बर्गर किंग का चीज एंड चिली मटन ऊपर। जी हाँ दोस्तों, चिकन तो हमने बहुत खाया बट आज मैंने सोचा क्यों ना मटन ट्राई किया जाए। तो मैं बर्गर किंग की साइट पे चेक कर रहा था कि उनका क्या स्पेशल है जो हम खा सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे मटन वूपर मिला जो कि इनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आइटम है। तो पैकेट में देखते हैं, पैकेट में ले आया हूँ और मैंने मील पैक कराया था जिसमें फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी है। तो सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये है हमारी कुछ फ्रेंच फ्राइज और ये है हमारा मटन वूपर। ये निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है चीज एंड चिली वूपर। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है, हमारा बर्गर जो है वो कैसा है खाने में। और सबसे पहले देखते हैं कि है देखने में कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने रैप करके दिया हुआ है पेपर में, बटर पेपर में। और अगर पहली नजर में बताऊं तो ये जो हम KFC और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं उनसे काफी बड़ा है साइज में। तो ये चीज देखने वाली है कि इसका टेस्ट कैसा है वो भी चेक करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने जो बर्गर है उसके अंदर कुछ चिप्स भी डाली हैं, टोर्टिला चिप्स हैं और मटन पैटी है, बाकी म्यूनीज है। देख लेते हैं इसको अच्छे से। ये हमारा बन है, कुछ लेटिस हैं, अनियन है, म्यूनीज है और ये यहाँ पे मटन पैटी है और ये यहाँ पे इन्होंने चिप्स डाले हुए हैं। आई होप कि ये टेस्ट भी अच्छा करता हो। देखने में तो ये KFC और जो मैकडॉनल्ड्स आता है उनके चिकन बर्गर से बड़ा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और खास बात यह है कि इसमें जो चिप्स डाले गए हैं उसकी वजह से इसमें क्रंचीनेस जरूर आएगा। तो इसको ट्राई करते हैं और इसका टेस्ट लेते हैं फटाफट से कि कैसा है इसका टेस्ट। ये बाइट ले रहा हूं मैं। दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो KFC या फिर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से बिल्कुल अलग है। और क्योंकि वो चिकन बर्गर था खैर, उस वजह से भी थोड़ा टेस्ट अलग है। और जो मटन की वजह से इसमें जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि ये मटन ऊपर है। मटन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है सारी चीजें डली हैं, इसमें ये पिकल भी डला हुआ है तो उसमें हल्का सा खट्टापन उस पिकल की वजह से आ रहा है। और जो चिप्स डाली हुई है उसकी वजह से इसमें क्रंचीनेस भी है। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं लेके आया था कुछ फ्रेंच फ्राइज, तो ये भी अच्छे हैं, कोई मसाला नहीं है, प्लेन नमक डाला हुआ है इसके अंदर और अच्छे से फ्राई किया हुआ है। और साथ में हमारी ये बर्गर किंग की पेप्सी। दोस्तों जो लोग रेगुलर विजिट करते हैं KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, उनको रिकमेंड करूंगा कि आप बर्गर किंग भी जरूर जाएं। और बर्गर किंग में मैंने एक खास बात देखी कि वहां की जो मेन्यू है उसमें काफी वैरायटीज हैं, अलग अलग तरीके के बर्गर्स बहुत उनके पास हैं। तो आई होप कि इन फ्यूचर भी मैं बहुत सारे बर्गर वहां के भी ट्राई करने वाला हूँ बर्गर किंग के और आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे ये मैंने मटन का ट्राई किया था वैसे ही उनके पास चिकन ऊपर भी है तो वो भी ट्राई करेंगे किसी दिन। और दोस्तों अगर आप लोगों में से भी किसी ने बर्गर किंग का मटन ऊपर ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर नहीं किया तो अभी जाके करिए और तो भी बताइए कि आपको खाने के बाद ये कैसा लगा, क्योंकि इसका टेस्ट बाकी बर्गर से बिल्कुल अलग है।
और दोस्तों ये लास्ट बाइट हमारी बची हुई है तो इसको भी फिनिश करते हैं और उसके बाद सो फ्रेंड्स हमारा जो वूफर था वो तो खत्म हो गया और हमारे फ्राइज रह गए कुछ, साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों अगर बात करें प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो टोटल जो कॉम्बो था उसका हमें पड़ा है 309 रुपए का, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाए हैं 18% के, तो हमारा टोटल जो बिल बनता है वो बनता है 365 रुपीज का। और दोस्तों अगर बात करें रेटिंग्स की तो जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था, ठीक था टेस्ट, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये मटन का मैंने पहली बार कोई बर्गर खाया था। एक बार मैंने हॉट मिलियंस में खाया था जरूर, तो वो भी काफी अच्छा लगा था। हॉट मिलियंस का बर्गर का रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगा खा के एक बार जरूर कि किस तरीके का है, मैंने खाया था वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उसी तरीके का कुछ ये बर्गर भी था। तो दोस्तों अगर बात करूँ पॉइंट्स की, अगर रेटिंग करनी हो इस बर्गर की, इस वूफर की, तो इसको मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि जो हमारे जो चिप्स डाले हुए थे इसके अंदर वो वैसे तो क्रंच थे, उसमें कई चिप्स ऐसे थे जो क्रंची थे मगर कई चिप्स ऐसे थे जो मॉइस्ट हो गए थे हल्के से, तो उस वजह से जो बाइट ले रहे थे वो काफी हार्ड हो गया था, सो इसलिए 3.5 पॉइंट। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लस अपना जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा जल्दी मिलती रहे, जब भी वीडियो डालूं उसके साथ ही के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊंगा, बाय बाय।